हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल सोनी ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, अभी 12:30 बजे हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी का नज़ारा किस तरह से है। तो दोस्तों, अभी आंगन में धूप नहीं है। दोस्तों, मेरा खाना बन गया है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों, मेरा खाना बन गया है। तो यहाँ पे दाल भी बन गया है और यहाँ चावल बना है और यहाँ पे साग बना है। यहाँ पे साग बना है और आलू गोभी का बना है। और यहाँ पे थोड़ा सा मूली साग था, वो भी बनाया है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है। तो दोस्तों, खाना बन गया है। तो अभी धनिया पत्ता को बीच के रखा है और इसी का चटनी बनाएंगे। तो मैं कैसे बनाऊंगी दोस्तों, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी भी। तो इससे पहले धो लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अच्छे से धो लिए हैं धनिया पत्ता को, देखिए। अब इसे जार में डाल देते हैं। तो दोस्तों, अब इसमें लहसुन डालेंगे 2-3 कली और हरी मिर्च एक डालेंगे। और एक टमाटर लिया है, इसे काट के डाल देते हैं। आप चाहे तो पका के भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसमें नमक डाल देते हैं। और इसमें थोड़ा सा तेल देते हैं, सरसों तेल। तो दोस्तों, अब इसे पीस लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने चटनी को पीस लिया है। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा हुआ है। अब इसे कटोरी में निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, निकाल लिए हैं और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है चावल के साथ। तो मैं थोड़ा सा चख के बताती हूँ कैसा लगा है। बहुत ही अच्छा लगा है दोस्तों। तभी से चावल के साथ खाएंगे। तो दोस्तों, अभी खाना लगा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, खाना निकाल लिए हैं। यहाँ पे चावल, दाल है और धनिया पत्ता का चटनी है और साग और आलू गोभी का भुजिया है।
तो मैं अभी खाने जा रही हूँ, खाने के बाद आप लोगों से फिर से मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों खाना खा लिए हैं और अभी बर्तन साफ करने के लिए हैं। तो देखिए दोस्तों इतना सारा अभी बर्तन है तो इसे अभी साफ करेंगे। तो दोस्तों बर्तन को साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों बर्तन को साफ कर लिए हैं और अभी आंगन में थोड़ा सा टहल रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बाहर की ओर थोड़ा सा ले चलते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना पटरू है, इसे चरने के लिए अभी जा रहे हैं। देखिए कितना सारा है, चराने के लिए ले जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अंदर। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे रखते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल का लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और तब तक के लिए बाय।